हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गेम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहां सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोना जो मने कम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंति की खबर नमस्तु भ्यं राधे राधे राम राम। मेरे और सज्जनों उम्मीद करता हूं कि ये बोर्ड पे लिखा हुआ आपको सबको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये एस नाम वाले लोगों की 2025 के राशिफल के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आप देखें कि कुंडली के प्रथम भाव में शनि और राहु विराजमान हैं, दूसरे में भी शनि और राहु हैं, दो दो जगह शनि राहु। हाँ कैसे, तो आप देखें कि शनि जो है सो प्रथम भाव में कुंभ राशि में है और मीन राशि में 29 मार्च को वो चले जाएंगे। राहु मीन राशि में है और 29 मई को ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में है जो पंचम भाव में 14/5/2025 को आ जाएंगे, जो 18 अक्टूबर से पहले और 5 दिसंबर के बाद तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद चले आएंगे कुंडली के छठे भाव में, जो यहाँ पर में ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। केतु देवता कुंडली के अष्टम भाव में है जो 29 मई को कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में, कितना अच्छा कितना बुरा रिजल्ट इन ग्रहों का होगा, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा देव गुरु बृहस्पति से ही शुरू करता हूं जो कुंडली के चौथे भाव में है। कुंडली के चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति का होना ये दर्शाता है ऐश नाम वाले कि आपको इस समय में सुख में वृद्धि के योग है। 14 मई 2025 से पहले सुख में वृद्धि के योग है, आपको विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। हो सकता है 14 मई 2025 से पहले आप कुछ जमीन वगैरह भी खरीदे, जमीन खरीदने का योग, जमीन से संबंधित कोई लफड़ा था कोई परेशानी थी वो भी सॉर्ट आउट होती हुई प्रतीत हो रही है। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मकान का भी योग बन रहा है आपके लिए स्नान वाले 2025 में। 14 मई से पहले आप मकान या तो खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, अथवा मकान और जमीन पहले से ही पर्याप्त है तो उसका सुख भोग करेंगे। जो लोग गाड़ी लेने को इच्छुक थे और एस नाम से उनका नाम शुरू होता है नहीं ले पा रहे थे, टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी आप लेना चाह रहे हो, प्रभु की कृपा हुई तो इस वर्ष वो भी मई से पहले 14 मई से पहले एस नाम वालों को गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है, गाड़ी आपके हाथ में आ ही जाएगा। देवी और सज्जनों चौथा भाव देव गुरु बृहस्पति, किसी को हृदय रोग से संबंधित परेशानी है, हार्ट अटैक की समस्या बार बार आ रही है, ईश्वर की अगर कृपा हुई तो 14 मई 2025 से पहले आपको हार्ट अटैक की समस्या नहीं रहेगी। इस समय में आप हृदय रोग से बहुत ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। 14 मई 2025 से पहले हार्ट से संबंधित रोग आपको परेशान नहीं करेगा। छाती हृदय के साथ साथ फेफड़े से संबंधित भी अगर परेशानी है तो उससे भी आपको राहत होगी, ऐसी समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। चौथा भाव आपके माँ का भी होता है, माँ से कुछ सुख चाहिए, माँ की संपत्ति से कुछ सुख चाहिए वो भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है, पिता से कुछ चाहिए वो भी मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से कुछ लाभ लेना है, इस समय में दिमाग लगा के फायदा ले सकते हो आप। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। घुटनों में दर्द था इस समय में राहत हो जाएगी। सरकारी नौकरी की जिसको चाह थी और व्यक्ति यश नाम का है और जन्म कुंडली में भी पंच महापुरुष राजयोग में से कोई एक योग अथवा सरकारी नौकरी का योग अगर है तो देव गुरु बृहस्पति आपको मदद करेंगे और 2025 में आपको निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब कुंडली में है या नहीं या आपने जांच करवा रखा है तो आपको पता है, नहीं तो जांच जरूर करवाएं। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में मैसेज करके और जानकारी प्राप्त करें, जांच करवाएं। इस समय में आपको
सरकारी नौकरी के साथ साथ जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, कोई ऑफिसर है उनका प्रमोशन होगा, हायर ग्रेड पे जाएगी, कोई ठेकेदार है जो सरकार से जुड़ करके कुछ काम करता है उसको बहुत लाभ मिलेगा, उसको सरकार से बहुत फायदे के योग है। 14 मई के बाद जब देव गुरु कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे और 14 मई से 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर के बाद जब बकरी अवस्था में ये यहाँ पर में पंचम भाव में रहेंगे देवी और सज्जनों, तो क्या होगा? तो ये देव गुरु जो है सो आपको बहुत लाभ देगा। जिसको संतान की चाह थी, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, 14 मई के बाद उसको संतान प्राप्ति का योग बना रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में देव गुरु का बैठना आपके लिए संतान में बाधक योग को दूर कर रहा है, संतान का सुख प्राप्ति होगा, अचानक से धन लाभ मिलेंगे, आपके यश में खूब वृद्धि होगी। देखेंगे कि चाहने वाले लोग जो 5 थे अब 10 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 50 हो रहे, 100 हो रहे, यानी कि चाहने वाले लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। इस समय में प्रेम संबंध के मामले में भी बढ़िया समय है, कहीं से अच्छा प्रपोजल आपको मिल सकता है। पंचम दृष्टि भाग्य के घर पर में है, भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, भाग्य भरोसे भी काम होगा, धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी अवसर मिलेगा। आमदनी पर में सप्तम दृष्टि है तो आमदनी भी बढ़ेगा, लाभ भी ज्यादा मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग भी विकास करेगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो कर्क राशि का उच्च का होते हुए भी लेकिन छठे भाव में जब देव गुरु आ जाएंगे तो क्या होगा? तो इस समय में आपको दुश्मन ज्यादा परेशान करेंगे, दुश्मनों से विशेष परेशानी होगी। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में अनुभव करेंगे कि दुश्मन आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे, दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आप चिंता में ज्यादा समय बिताएंगे, हेल्थ वाइज इशू, कुछ कर्ज, कुछ केस मुकदमा आपके ऊपर में हावी हो सकता है। गुरु के बाद बात करेंगे शनि की। शनि आपके कुंडली के प्रथम भाव में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो 29 मार्च से पहले तक है। इस बीच में आप अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। तीसरी दृष्टि नीच की है लेकिन पराक्रम पर में है, शनि पराक्रम को कुछ दबाने का प्रयास करेगा क्योंकि नीच की दृष्टि है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है, शत्रु दृष्टि है तो विवाह में विलंब, विवाह में परेशानी। और दसम दृष्टि दसम भाव पर में है तो सरकार से लाभ का योग बनेगा, सरकारी नौकरी के भी योग बनेगी। देवी और सज्जनों, शनि जब 29 मार्च को कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में चले जाएंगे फिर भी अच्छा रिजल्ट देगी, आपको 29 मार्च के बाद धन धान्य संपत्ति को वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो, ऐसी कोशिश रहेगी शनि की। शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में, ये भी जमीन मकान गाड़ी का सुख देने का प्रयास करेंगे क्योंकि मित्र दृष्टि है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में मित्र दृष्टि, यानी कि विदेश से जिसका कोई कनेक्शन है, किसी का अपने गांव शहर से बाहर से कोई कनेक्शन है काम धंधे से रिलेटेड, तो उसको अच्छा लाभ मिलेगा। दसम दृष्टि एकादश भाव पर में तो इच्छा पूर्ति करने का शनिदेव 29 मार्च के बाद भी प्रयास करेंगे। राहु की अगर बात करें तो राहु आपके कुंडली के दूसरे भाव में 29 मई से पहले है, मीन राशि में गुरु के घर में है। राहु थोड़ा सा भ्रमित करने का आपको कोशिश करेगा वाणी के माध्यम से, आपको बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करवा देगा 29 मई से पहले, जिससे कि अगला व्यक्ति जो आपको काम देना चाह रहा है, आपके साथ संबंध बनाना चाह रहा है, आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है, वो व्यक्ति आपसे नाराज हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके कारण से सारा बना बनाया खेल आपका बिगड़ जाएगा। तो राहु को काबू करने की कोशिश करें। 29 मई के बाद कुंभ राशि में राहु है तो अच्छा रिजल्ट जरूर देगा, ये आपके दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्गली किसी भी चीज को, बाज की नजर जो होती है उसी प्रकार से आपको ये किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने की शक्ति देगा और शारीरिक तौर पर में हष्ट पुष्ट भी बनाएगा। केतु की बात करूं तो केतु कुंडली के अष्टम भाव में है, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए जरूर अच्छा रिजल्ट देगा,
जो अपने गांव घर शहर से दूर है, लेकिन वो ये केतु 29 मई के बाद सप्तम भाव में आएगा तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव करवाने का प्रयास करेगा। लड़ाई झगड़ा मारपीट दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी के योग जो है सो देने का ये प्रयास करेगा आपके देवी और सज्जनों। केतु की अगर बात करूं तो 29 मई से पहले इसके एक और खतरा है जो दुर्घटना का योग बना रहा है। हो सकता है 29 मई से पहले केतु आपको एक्सीडेंट वगैरह करवा दे, कुछ जान का भी खतरा दे सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी से चले। आपको मैं कुछ उपाय बता देता हूं, जब जब ग्रह विपरीत है तो क्या करना है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में गुरु के लिए गुरुवार के दिन नमो विंग बृहस्पति नमा मंत्र का जितना हो सके आप जाप कर लें। जब राहु विपरीत है 29 मई से पहले तो शनिवार के दिन जो है सो नमो रंग राहवे नवा मंत्र का जितना बार हो सके स्नान के बाद एक माला दो माला पांच बार दस बार बीस बार जरूर कर ले। और 29 मई से पहले केतु के लिए नमो के अंकेतवे नवा मंत्र का जरूर जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों यही थी छोटी सी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और पर्सनली अगर अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो जन्म कुंडली या हस्तरेखा के अनुसार, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।